हमारा दिन पॉडकास्ट हुआ आपके साथ मैंने तो घर जाके कन्वे किया मैंने कहा भाई मैं तलाग दे रहा हूँ खाने को ये <laughs> आप हर सबके <laughs> तो साथ, साथ जो पॉडकास्ट सकते हैं ना तो हम वो लेवर ले जाते हैं लेकिन ऑनेस्टली है कि लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है अगर जैसे मैंने आज अलहमदिल्ला सहरी नहीं की आज मैंने सिर्फ दूध एक गिलास ली और कुछ खुद डेट्स ठीक है अच्छा वर्णा रोजाना ब्रो वो जो पराठा यानी मैं वैसे हमेशा ना सैंडविच या कॉर्नफ्लेक्स या दलवीना ले रहता था इस अमेजान से शुरू से ही वो एक पराठे खिलाए गए और सब कुछ तो वो एक ट्रेंड बना हुआ था पराठा खाने का जिसमें आपके देसी अंडे भी हैं उसमें घर का बीफ और कबाब भी है और सब कुछ इट बिकम्स वेरी हैवी एंड शुरू में यानी शुरू-शुरू टाइम में बड़ी प्यास लगना शिद्दत से प्यास लगना खाने के बाद और फिर अल्टीमेटली अराउंड 11 12 बजे जाके वो खत्म हो जाती है सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर इतना लाइट फील होता है, है। इतना एनर्जेटिक फील करता है बंदा मैं तो रोजाना नहीं लेकिन एक दो दिन में इसी तरह से शहरी बहुत कम ना होने के बराबर और फिर एक दिन फिर मैं नॉर्मल ले लेता हूँ उससे यह है कि बड़ा ज़बरदस्त तो उसमें अब अफ्तारी के बाद की जो रूटीन होती है उसमें नॉर्मल डाइट वगैरह है चल रही होती है आप लोगों की किस तरह दो तीन घंटे तो मतलब अफतारी फिर उसके बाद भी एक मील मैं लेता हूँ लेकिन दस बजे के बाद फिर मेरी वो अच्छा। ज़्यादा कैलरीज नहीं आती ऊपर सहरी में पानी पी लिया इसी तरह से थोड़ा सा खजूर ले ली बहुत कम ना होने के बराबर 100 कैलोरीज कह लें उसके बाद बस दिन फिर पूरा स्टार्ट हो गया मेरा भी ऐसा ही होता है कि अजान के बाद अफतारी की लाइट सी जिसमें आई स्टार्ट विद खजूर और शहद वाला पानी तो लाजमी पीता हूँ लाजमी रोजाना पीता हूँ विद एप्पल विनेगर ऑर्गेनिक वाला और वो लेके कर अब पता नहीं कितना एमली समय के लिए अच्छा मैंने तो पढ़ा था कि बहुत अच्छा उसको डाइल्यूट करके लियो को वाटर में लें बेहतरीन तो बहतरीन। वो लेके ना फिर हल्के से अफ्तारी कर ली एंड देन आई गिव अ ब्रेक नमाज पढ़ी नमाज के बाद वापस आके सुनते पढ़ी एन गिव अ ब्रेक और उसके बाद फिर डिनर किया कर लिया और उसके बाद ये हाँ तरावियाँ पढ़ के जब घर जाते हैं तो फिर फ्रूट चाट का एक बॉल या फिर अगर दही वाले का एक बॉल बना हुआ है तो वो ले लिया विच गिव्स यू एनर्जी क्योंकि मैं रात को फिर रमज़ान में तो ज़रा जाग रहा हूँ तो वो फिर चलता है सो so, वसीम भाई एक और जो बड़ा यानी आजकल का जो एक मैं समझता हूँ कि एक कोविड के बाद जो पेंडेमिक है वो स्ट्रेस एन्जाइटी डिप्रेशन है ठीक है एंड मैं घर में गया एफ एलेवन में ह्यूज हाउस माशा फुल ऑफ लग्जरीज यंग सा बॉय था इन इज टीन एज उनकी मदर ने कहा कि मेरा बेटा डिप्रेशन दिप, पे है और सब कुछ जब मैंने लड़के से बात की हिज लाइफ वॉज परफेक्ट लाइक एनी थिंग नो प्रॉब्लम व्हाट्स एवर नो हार्ड ब्रिक्स नो ड्रग एडिक्शन नथिंग एट ऑल लेकिन लाइफ स्टाइल ऐसा हुआ हुआ था जिसमें स्पोर्ट्स नहीं है और सारा दिन फोन और गेम्स और सब कुछ और डेफिनेटली एक डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस भी है सो और फिर जितने ज़्यादा एफिक्यूज रिसीव होते हैं मैं इन्जाइटी में हूँ मैं डिप्रेशन में हूँ मैं स्ट्रेस में हूँ सो so एक बहुत बड़ा एक एपिडेमिक बन चुका है पूरी दुनिया में और इसमें यानी वो शुरू बी नाइव के टू तो थिंक सिर्फ नॉन मुस्लिम इसमें हैं मुसलमान बहुत ज़्यादा इसमें हैं और आई थिंक इस पर आज बात कर लेते हैं और स्पेशल ट्रोसी में हमारे साथ हैं इन आपका ये फील्ड भी है आप इसमें काउंसिलिंग सर्विस भी देते हैं इन सो क्या ख्याल आपका ये मेरा ना कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है तो ये बड़ा अच्छी आपने बात की क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो इबादत में भी ठीक हूँ और जो है मेरी नमाजें हर लिहाज से ना मैं बड़ा मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचता मतलब मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारता हूँ लेकिन मैं फिर एंगजाइटी डिप्रेशन में क्यों आ गया तो रसोल्ला सल्ला वल्म की हदीस है कि अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है उसको आजमाइशों से गुजारता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सज़ा के तौर पर इस बीमारी में डाला जा रहा है लेकिन आप पे अगर मुश्किल वक्त है तो अल्लाह ताला का ये भी वादा है कि हर सख्ती के बाद आसानी है ये अल्लाह ने वादा रखा है वो जो बीमारी है ना वो आपको बड़ा जो है ना डिसिप्लिन करने के लिए आई है बड़ी चीजें सिखाने के लिए आई है लोग जो है ना वो उस बीमारी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और फिर जैसे कहा कि डायरेक्टली एंटी डिप्रेसेंट्स पे और इन चीज़ों के ऊपर मैं उसके खिलाफ नहीं हूं अगर बहुत केस बिगड़ा हुआ है तो वक्ती तौर पे अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो स्टार्ट में अगर ऐड उसको किया भी जाता है तो ठीक है लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि क्या वो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है क्या वो जो है अपनी डाइट का ख्याल रखता दे है।, है वाइटमिन डी डिफिशेंसी का और डिप्रेशन का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है इसी तरह से नींद के ऊपर देखें कि कहीं वो रातों तक मतलब सिर्फ जागता तो नहीं रहता और जब सोता है तो फिर उसको सुबह की कोई होश नहीं है मतलब पूरे दिन में उसकी वो रूटीन कैसी है उसको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और फिर कोई एक टीचर कोई एक उस्ताद कोई एक बंदा ऐसा है जिससे वो अपना ये मसला डिस्कस करता है क्योंकि पेरेंट्स है ना बच्चे छुपा रहे होते हैं चीजें और बाज पेरेंट्स बड़े हार्श भी हो जाते हैं क्योंकि डिप्रेशन नजर नहीं आ रही होती ये ये जुमला कहा जाता है, है कि चंगा भला है ड्रामे करता है इतना तुम्हारे ऊपर हमने इतना तुम्हें महंगे स्कूलों में डाला और ये देखो तुम क्या निकल रहे वो का बड़ा प्यारा फिक्र है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं ख्याल की वजह से होती है तो आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किन ख्यालों में गुम है उसके ख्याल किस तरह के हैं तो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट साइकट्रिस्ट भी लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप हेल्प दें क्योंकि उसको हेल्प की ज़रूरत है आपका बच्चा बीमार है मैं तो बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था उसमें एक मेडिकल डॉक्टर से कहते हैं मेरे आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर थर्टी फाइव ईयर्स और मैं बड़े यकीन से बात कर सकता हूँ कि नाइन्टी परसेंट प्लस जो जितनी भी बीमारियाँ मतलब उसका हर किस्म की बीमारियाँ इट स्टेम्स फ्राम स्ट्रेस कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस या क्यों ना कोई इस तरह के कोई स्ट्रेसेज होते हैं जो हमारी इवेंचुअली थॉट से लिंक्ड होते हैं उनका गहरा तालुकुक डेफिनेटली हमारी थॉट से कहते हैं इट्स ऑल स्टेम्स फ्राम देर एंड इट लीड्स टू कहते हैं इवन मेजर मेजर बीमारियाँ कैंसर भी अगर आप जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं थॉट कहते हैं इनका इलाज भी इनका इलाज अब इस पर बड़ी रिसर्च आ रही है अबाउट हीलिंग और हाउ थॉट्स कैन एक्चुअली डेवलप द प्रोसेस ऑफ हीलिंग स्टार्ट द प्रोसेस एटलीस्ट मेडिकेशन अपनी जगह है वो उसको कोई डिनाई नहीं करता इनफैक्ट uh, ज़्यादातर जो ट्रॉमा होता है कोई चोट लग जाना कट लग जाना इसके ऊपर तो हमें हम समझ लगती है बट जो क्रॉनिक जितनी भी है ना डिजीज़ uh, हो गई जिसमें स्ट्रेस हो गया एग्जाइटी होगी जो चलती आ रही हैं चलती आ रही हैं इवन uh, फिज़िकल भी कुछ uh, उसका हमारे जहन से बहुत uh, बहुत गहरा ताल्लुक है इवन वो सामसनिक भी कह रहा था ना Uh, कहता है कि हमारा जो ब्रेन है ना ये नेगेटिव कमांड्स प्रोसेस नहीं कर सकता यानी आप कहेंगे ना कि डोंट बी स्ट्रेस डोंट टेक स्ट्रेस स्ट्रेस डोंट टेक टेंशन तो वो डोंट के वर्ड को फैदम नहीं कर सकता वो स्ट्रेस या टेंशन के वर्ड को फैदम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू गाइस जो भी सुन रहे हैं डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट ठीक है टू वी ऑल थिंक ऑफ एन है इवन जो स्की ski, स्कीर्यर्स होते हैं वो जब Uh, उनको कमांड ये, ये नहीं दी जाती वॉच आउट द ट्री वॉच आउट द ट्री वो दरख्त को देखेंगे और जिस चीज को इंसान देख रहा होता है ना उसमें तो है इंसान फोकस करता है उसमें लगता है सो so, वो कहते हैं कि वॉच द पैथ वॉच द पैथ तो इसलिए ये जो हमारा द पर्सपेक्टिव व्हेन यू लुक एट द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ ट्रीज एंड लाइफ ऑल वट यू गो एंड हिट देम और आप गिर जाएंगे बट वेन यूल पैथ के रास्ता कहाँ से निकल रहा है तो अल्लाह ताला आपको उसे डेफिनेटली निकालना शुरू कर देंगे इवन बाइकिंग की फील्ड में भी ना ये हमारा बड़ा कॉमन रूल है जब हम कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं ना इवन जो इवन रेसिंग बाइक्स के लिए भी हमारा चेहरा बिल्कुल इधर नहीं होता हमारा चेहरा उधर कॉर्नर भी तर होता है ऐसे क्योंकि यू गो वेर यू लुक एट आपने जहाँ जाना है आप उस कॉर्नर की तरफ देखते हो

मोहल्ले में किसी की सडन डेथ हो गई तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि दुनियादार अचानक मरता है दीनदार की मौत पूरी प्लानिंग से होती है उसको अल्लाह पहले से ही ना अपने प्लान के मुताबिक अपनी तरफ बुलाता है लोग क्या करते हैं वो कहते हैं कि फलाना मर गया तो अब लगता है मैं भी मरने वाला हूँ ये फेयर डेवलप होता है अब फाइट एंड फ्लाइट जो है ना ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है हमारे वजूद के अंदर मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं और एकदम से शेर आ जाता है तो हमने जान बचाने के लिए दौड़ लगानी है अब वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना वो फाइट एंड फ्लाइट से हमें मिलेगी कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे लेकिन जैसे ही हम बच गए किसी दरख्त के छांव के नीचे हम बैठ गए और हम रिलैक्स कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने शेर से बचा लिया अब जो एक्टिवेट होगा वो होगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट आराम करो और हजम करो एंग्जाइटी में एक ना नजर आने वाला शेर फेयर वो मुस्तकबिल का डर भी हो सकता है मौत, हुँ। हुँ। मौत का डर भी हो सकता है इवन आई थिंक डेली रूटीन में हमारे इतने स्ट्रेसेस होते हैं छोटे uh, mm -hmm. मोटे आप बल्कि हमारी ये जो फ्लाइट एंड फ्लाइट है जैसे लाइक हमारा एक सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ना mm -hmm. हमारी बॉडी देती है तो अब आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है mm -hmm. आ, घर में पेरेंट्स के साथ बच्चों का हस्बैंड वाइफ का आपस में बाहर किसी बिजनेस में किसी किसी मामले में जो भी आपके आर्ग्यूमेंट दैट लीज वह आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर रहे हैं एंड दैट ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्ड इस सिस्टम आप स्टेट स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है

अब वो ना नजर आने वाला शेर उसको पैर रखा हुआ है और आप उसको खींच नहीं रहे हो बस गाड़ी के के जो हो की जो हालत होगी वही बंदे की हो जाती है फिर कि जो नफसियात हैं वो जिसमानी शक्ल इख्तियार कर लेती है इस हद तक बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है कि बंदा सोच रहे कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा और उसको हार्ट अटैक का पेन स्टार्ट हो जाएगा

वो जो हमारी कुत मुदाफियत है जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ये जो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ना कि रिजेक्शन ना हो जो बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है उसको रोक रोक लेते दे हैं तो आप जब स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप अपने उस कॉटेस्टोल को इतना ज़्यादा रिलीज करवा रहे हैं बॉडी में और फिर कार्टेस्टोल जब लेवल्स बढ़ते हैं तो वो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के लेवल्स बढ़ाता है शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं तो इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं तो वहाँ से डायबिटीज़ की एक बड़ी वजह स्ट्रेस, स्ट्रेस है। है। खातन आती है टेस्ट कराए मुझे पेशाब आ रहा था तो देखा कि मेरी शुगर भी बढ़ गई है तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि नाइन्टी परसेंट या शायद उससे भी ज्यादा बीमारियाँ स्ट्रेस के साथ मुंसलिक है तो वो गलत नहीं है अच्छा इसमें ना मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा ना एग्जाइटी को डिफाइन करते हैं और इवन एंगी और डिप्रेशन को भी ना कि हम आपने जैसे कहा ना पेशेंट आते तो आप उससे पूछते हैं कि एग्जाइटी कब शुरू हुई सो so, मतलब अगर आप किसी पेशेंट से पूछें या किसी से पूछो कि वट इज़ एग्जाइटी मतलब हाउ डू द पेशेंट्स एक्चुअली नो कि उनको एग्जाइटी किस लेवल की है और किस तरह क्लैरिटी मैंने, है मैंने जो है ना वो अली भाई के साथ मोहम्मद अली भाई के साथ जो वीडियो में मैंने अपनी को क्या मैं थ्री ईयर्स एंग्जाइटी से गुजरा हूं ना तो मैंने जब अपनी वो स्टोरी बताई ना तो उसके बाद कितने लोगों ने कांटेक्ट किया जो कह रहे कि हमें पहली दफ़ा पता चला कि हमें एंगजाइटी है नहीं तो उन्होंने कोई सीटी स्कैन कोई एमआरआई कैंसर तक उनका जहन गया हुआ था कि पता नहीं हमें कौन सी बीमारी है अच्छा। एको करा चुके हैं अच्छा ठीक अच्छा। है ना ई करवा चुके हैं होता है बिल्कुल एंग्जाइटी और फिर वो लीड करती है पैनिक अटैक्स की तरफ अब एंग्जाइटी है क्या मौजूद लम्हे में ना रहना मुस्तकबिल के बारे में और माजी के बारे में सोचते रहना माजी को बदलने का पछतावा कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा तो जो इंसान ये सोचता है कि मेरे बीवी बच्चों का मेरे बाद क्या होगा उसका ईमान ना मुकम्मल उसने पालने वाले की पालने वाली सिर्फ पे ईमान नहीं लाया एंग्जाइटी वसवसे और शक की बीमारी है आप हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढोगे hmm. आप हर चीज पे खुद पे शक करोगे दूसरों पे शक करोगे आप इतना आइसोलेटेड हो जाओगे दिल की धड़कन इतनी तेजी से शूट करेगी कार्डिया hmm. इतना ज्यादा होगा कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आपका दिल बंद हो रहा है इसी तरह से दम घुटना सफोकेशन hmm. ये प्रॉपर लोग फील करते हैं hmm. इसी तरह से इतनी जिसम में थकावट कि पांच मिनट का काम करना भी hmm. मरीज के लिए अजाब होगा कि अगर मैं ये पाँच मिनट भी काम करूँगा तो पता नहीं मैं सारा दिन कैसे गुजारूंगा तो उसका नतीजा क्या निकलता है वो आइसोलेशन में चले जाते हैं सोशल एंग्जाइटी हो जाती है बंदों से कतराना शुरू हो जाते हैं एक कमरे तक बंद हो जाते हैं और फिर जब भी कोई फीलिंग आती है तो वो सर का दर्द भी तो हो सकता है लेकिन एक एंग्जाइटी का पेशेंट क्या सोचेगा कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है ठीक है कहीं अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है एंग्जाइटी में ना जब फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर हुआ होता है तो पेशाब बहुत ज़्यादा आता है तो लोग समझ रहे थे कहीं मुझे गुर्दों का कैंसर तो नहीं है कहीं मेरे गुर्दे फ़ेल तो नहीं हो रहे नहीं। तो इस सेल्फ़ टॉक भी बड़ा ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना भी ज़रूरी है नहीं। नहीं। लेकिन ख़ुद से कि भाई मेरी मौत का एक दिन मुकर्र है और मैं वक्त से पहले नहीं जान सकता और अपने आप को यकीन दहानी कराना कि ए ईमान वालों मज़ीद ईमान ले आओ ईमान शक की वसवसे की नफ़ी करता है जितना जितना आपका ईमान पुख्ता होता जाएगा सही बात है। उतना उतना ये ख्याल आपके जहन से निकलते जाएंगे आप इनका बसेरा अपने दिमागों में करवा देते हैं कि अब अगर कोई नेगेटिव थाट आई है तो उसको आपने इतनी दफा रिपीट किया ना कि अब वो आपकी जान नहीं छोड़ रही और इसी तरह से फिर पैनिक अटैक होता है वो तो फिर इतना खतरनाक होता है कि उसमें आपको लिटरली ऐसे लग रहा होता है कि जैसे यही मोमेंट है और जो मौत का फरिश्ता है वो आ चुका है आ चुका है और उससे जब वो लोग निकलते हैं तो पैनिक अटैक से भी ज्यादा खतरनाक एक पैनिक अटैक हो गया ना अब वो उसकी जो जो पैनिक अटैक होने से पहले जो, जो फीलिंग्स आई थी ना अब वो नॉर्मल सी फीलिंग्स ही थोड़ा सा जैसे होता है ना सांस फूल जाना बिल्कुल अब जब भी Uh, वो कहते हैं कि जब भी वो थोड़ा सा भी वो सिनेरियो सिमिलर होता है ना उनको लगता है पैनिक अटैक और उसके बाद मल्टीपल अटैक्स हो गए जस्ट hmm. थिंकिंग uh, कि मुझे पैनिक अटैक आने वाला है एंड इट रिजल्टेड इन एक्चुअल पैनिक अटैक नहीं होता ये कि मैं खुद भी एग्जाइटी के एक फेज से गुजरा हूँ ये होता है कि वेन यू आर वर्ड कि मुझे वो दोबारा ना हो जाए ना ये जो hmm. वरी है ना कि मुझे दोबारा ना हो जाए मुझे दोबारा ना हो जाए और आप आप हर चीज ना जहन में कनेक्शन बनाते हो उस वजह से मुझे हुआ था उस वजह से मुझे, आ, मुझे हुआ और था। और और पूरे पैकेज बनाते कि क्यों लागे। लागे। और फिर आपका ना जहन उससे ना यानी एक कनेक्टिविटी uh, डेवलप कर लेते हैं कि जब ये फेज आया तो उसमें वही हार्ट बीट तेज वो बंदा जो सौ सीढ़ियाँ चढ़ ले तो सांस नहीं चढ़ता वो पाँच सीढ़ियाँ चढ़ता उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है हार्ट बीट इतनी तेज कि हर टाइम ट्वेंटी फोर सेवन हार्ट बीट तेज है फिर होटों का सूख जाना प्यास लगना बार बार वॉशरूम का आना और अगेन यानी लोगों से बात करने की एक कॉन्फिडेंस शटर हो जाना हो जाती है और यानी अलहमदिल्ला आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन लेकिन जब मैं उस फेज में था ना आई नेवर यूज टू टॉक मैं चाहता मैं अकेला रहा घर पर मेहमान ना आए कोई फ़ोन बजना ना दिल की धड़कन दीज ओह ये क्या न्यूज़ आई होगी सुबह इवन घंटी का बजना बाहर आफत है। सीरियस फ़ियर ऑफ़ और फ़्यूचर जो है ना ये, ये है में कुछ ऐसे ये आए हैं बिल्कुल उसकी बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई वजह नहीं होती नहीं होती लेकिन जब हम प्रॉपर उनसे बात करते हैं जब वो खुलते हैं तो पता चलता है कि कोई डिस्टर्ब चाइल्डहुड है कोई बचपन में कुछ ऐसी चीज़ देखी थी कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते थे वो नहीं हो पाया मार्क्स पूरे नहीं आए यानी कि कहीं कही ना कहीं कोई ना कोई एक फेलियर है कोई अनरिजॉल्व कोई मसला चला आ रहा है जो कि चलते चलते यहाँ तक आया वो ज़रा सा जब वो खुलते हैं तो पता चलता है कि पीछे कोई ना कोई बात ऐसी थी जैसे उस दिन एक साहब आए वो कहते हैं कि आ, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता और चेहरे पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। <laughs> तो मैंने तो, स्ट्रेसफुल तो, तो मैंने, मैंने तो कहा कि देखें जी ये आप रहने दें ऐसी बात ना करें जो ये डिनाइल में आप है ना बगैर स्ट्रेस के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते फिजोलॉजिकल जो एंग्जाइटी है अगर हाँ। वो एग्जाम से पहले नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे हाँ। पहले आप एक्सेप्ट तो करें कि आपकी लाइफ में मसले चल रहे हैं हाँ। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं बेहतर इंसान वो है जो उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दे आप अगर एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आपने तो पहला स्टेप ही नहीं लिया तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि एक वीडियो में देख रहा था उसमें वो बंदा कहता है कि दो ही लोग हैं जिनको एंग्जाइटी नहीं होती एक साइकोपैथ्स और एक वो जो कि कब्रिस्तान में दफन है जो जिंदा है ना उसकी लाइफ <laughs> के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो हर इंसान की लाइफ में होती हैं ऐसे पेशेंट से मैं भी मिला वो कहते हैं मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूँ बट समाइम्स आई वेक अप आई वेक अप इन एन्जाइटी पैनक अटैक रहा होता है मुझे और बड़ा लंबा चलता है सारा तो उनको समझ नहीं आती कि उनका जैसे ही वो उठते हैं ना कभी कभी यानी दिस हैपेंस रेयरली तो उनको वो अटैक क्यों आता है जब हमने मज़ीद डेकिन किया और डीप डाउन गए तो फिर उनको मेमरीज़ पुरानी याद आना शुरू हो गई और फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हाँ मैं जब अराउंड सेवन एट्थ क्लास में था मैं एक रात को उठा और मैं बड़ा डर गया था बिकॉज मैं आ, अकेला सो रहा था कमरे में यूजली मेरे सिबलिंग्स सांस होते थे और मैं डर गया और डरने के बाद ना सिंस मैं इतना एक आ, डिस उठा उठा ना मुझे मेरा नाइट सूट मिल रहा था ना मुझे कोई घर में नज़र आ रहा था और डोर लॉक था पेरेंट्स का तो कहते हैं मैं इतनी टेंशन में था तो उस टेंशन में ना मैं फिर सो गया और मुझे ना वो कुछ दिन तक टेंशन रही अच्छा वो ट्रिगर किया तो पता चला कि

कोई अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत जगह के सामने खड़े हैं एंगजाइटी का पेशेंट ऐसे उसका टनल विजन होता है ना वो बिल्कुल फंसा हुआ रहता है हर वक्त उसके माथे नहीं। नहीं। पे एक परेशानी है और वो एक ही जगह को लेके ना एक ही पॉइंट पे पॉंट बिल्कुल फंसा हुआ है पेरफुल विजन जब आप एक्टिवेट करते हैं जब आप पूरी अल्लाह की कोई खूबसूरत कोई मरी चले गए कोई ग्रीनरी है उसको आपने खुली नज़र से देखा और आपने ना बाहर की तरफ देखा तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और वेगस नर्व रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करती है बहुत सारे एंगजाइटी के पेशेंट्स एसिडिटी की शिकायत कर रहे होते हैं मैदे का निज़ाम धर्म भरम हुआ होता है डाइजेशन और उसके लिए फिर वो प्रोटॉन पंप इन्वेटर्स भी ले रहे होते हैं मैदे की और अद्वियात भी ले रहे होते हैं ये हमारा मेन ब्रेन है मैदा हमारा सेकेंड ब्रेन है जब तक मेन जो ब्रेन है वो स्ट्रेस में है हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं, थीख 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 नहीं थीख हो, हो सकता अब आप हद चेक करें कि स्ट्रेस वहीं का वहीं है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा और अद्वियात का अंबार लिया जा रहा है और ये जो पीपीआई है प्रोटॉन पंप इन्वेटर्स ये वाइटमिनस की डिफिशेंसी करा देती हैं खास तौर पे वाइटमिन बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी करा देती है वाइटामिन बी ट्वेल्व का नर्वस सिस्टम का और रेड ब्लड सेल्स का क्या लिंक है वो हर हर कोई देख सकता है आजकल तो ये नहीं कि वो मेडिकेशन जो न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज भी करा रही हैं वो आप ले रहे हो उनके और भी साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन जो सही थेरेपी थी वो उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बस उस बीमारी को खींचे जा रहे हो उस एक बीमारी से कई बीमारियां निकलने वाली हैं तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों को हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आना है वही जो हम बात करते हैं अल्लाह ने हमें मुशक्कत के लिए पैदा किया है एक्सरसाइज करने से वो जो एपिनेफ्रीन और अपिनफ्रीन रिलीज़ हो रही होती है ये जो फाइट एंड फ्लाइट में दे जो हार्मोन उनको हम यूज़ कर लेते हैं उससे यह है कि वो एंजाइटी हमारे ऊपर हावी नहीं होती और ये माइंड uh, जो हमारा जैसे इतनी पावरफुल चीज़ है न सहल्ला ये जो प्लेसिबो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इतना पावरफुल है दिस आई थिंक केमिकल और कोई बायोलॉजिस्ट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली ही वॉज वर्किंग एट हम कहते हैं फार्मेसी में हम लोग रिसर्च करते थे मेडिकेशन की तो यू वॉज टेलिंग कि मैं कैंसर की मेडिकेशन और मेजर बीमारियों की ना उस पर हम टेस्ट करते थे कहते हैं बनाते थे फिर हम एक टेस्ट ग्रुप होता था कहते हैं उनको हम मेडिकेश देते मेडिकेशन देते फिर हमने एक उसका पास टेस्ट ना हमने प्लेसिबो भी देना होता, hmm. तो होता था सिमिलर साइज ग्रुप को तो कहते हैं जनरली जो मेडिकेशन हमने बनाई उसका इफेक्ट होता था सेवेंटी फाइव सक्सेस रेट ना सेवेंटी फाइव परसेंट के लगभग कहते जो प्लेसिबो का है ना कहते हैं वो कम से कम भी ना ट्वेंटी टू थर्टी है कहते हैं इन सम केसेस फोर्टी फिफ्टी सेवेंटी सेवेंटी फाइव मतलब एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट जो दवाई ने इफेक्ट किया है प्लेसिबो का एग्जैक्टली सेम इफेक्ट है मेरी अपनी स्टोरी है कि फाइनल ईयर में था मैं तो ये आ, कैसर भाई थे वो ट्रेनर थे ना बड़े अच्छे ट्रेनर बड़ी मोहब्बत दिखाते थे बड़ा अच्छा वो ट्रेन करते थे तो एक दिन मैं जिम गया तो मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत गिरे हुए थे और मैं बिल्कुल वर्कआउट के मूड में नहीं था तो मैंने कहा कैसर भाई आज वर्कआउट नहीं होगा आज मैं छुट्टी करता हूँ कहते हैं वर्कआउट करोगे मेरे पास एक टैबलेट आई है वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम खाओगे तो तुम ऐसा वर्कआउट करोगे पहले उन्होंने पंद्रह मिनट मुझे सिर्फ उस तुम्हारी जो है ना तारीफ <laughs> फजाइल बताए <फ़जाल> <laughs> उसके बाद जब मैंने वो पेड़ ली उसके बाद कहते हैं कैसा बेहतर महसूस हो रहा है पंद्रह मिनट बाद ना मैं ऐसे चार्ज था ना और मैंने जबरदस्त वर्कआउट किया साथ मेरे दोस्त भी था जैसे ही हम वापस पहुंचे तो मैंने कहा यार सिकंदर क्या ही कोई जबरदस्त ये पूछो ये कौन सी वाइटमिन थी क्या था कि यार याराइनो एसिड की टेबलेट थी वो वैसे तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे उन्होंने सिर्फ तुम्हें जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार किया था हाँ। और यकीन जाने कि वो जब उन्होंने मेरी वो पंद्रह मिनट प्रॉपर वो साइकोथेरेपी की या जो मेरी <laughs> काउंसलिंग की तो मेरे वो जो एनर्जी लेवल जो ड्रॉप हुए हुए थे वो प्रॉपर तरीके से वापस आ गए तो शायद पढ़ाई की वजह से उसका स्ट्रेस होगा कि उस दिन मैं बेहतर नहीं महसूस कर रहा हूँ लेकिन एक बंदे के साथ बैठ के सिर्फ पसीबो उसने मुझे एक बरए नाम एक दवाई दे दी और सिर्फ ये बता के कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और मुझे उसने यही बावर कराया यकीन कराया कि इससे तुम्हें फ़र्क पड़ेगा और फर्क ये पड़ेगा। ये ऐसे ही है कि हम लोग अक्सर ना वो डॉक्टर होता है ना वाइट कोट में है और वो डॉक्टर उस माहौल में बैठे तो हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं yes. अगर वही डॉक्टर ना हमें किसी कैफ़े में मिल जाएगा ना नॉर्मल जीन्स पहन के तो हम शायद उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे यू नो इट्स दी हमारा द वे आर ब्रेन वर्क इज़ दैट हम अगर अथॉरिटी से बात आ रही है और वो उस हमें लगता है हमारा बिलीफ सिस्टम उस पर है ना मानते हम तो विल उसका इफेक्ट हमारे पे होगा अगर हम नहीं बिलीव करते ना इट विल अफेक्ट अस तो वो नहीं नहींफेक्ट करेगा चाहे नहीं वो दवाई क्यों ना एक वो केस स्टडी भी बड़ी डिटेल में आती है ना कि वो जो नॉर्मल कज़ंस था उसको एक दिन नॉर्मल जा रहा था अपने ऑफिस वगैरह तो उसको ना पेन हुआ डायग्नोज उसी स्वेलिंग भी थी स्टमक में वो चला गया ये पूरा डॉक्यूमेंटेड केस है और वो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि बाहर की पेन थी बट ही वज डूइंग फाइन डॉक्टर्स ने कहा आपको तो स्टेज थ्री कैंसर है स्टेज फोर इथ थ्री बोला उन्होंने तो वो कहते हैं मुझे वाकई में कहते हैं हाँ भैजन आपके पास तो सिर्फ अराउंड वन मंथ टू एंड हाफ मंथ रह गए जिंदा रहने के लिए वो कहते हैं मुझे इसने इतना आई आई वॉज आई वाज डिस्ट्रेस्ड और मैंने तो ज़िंदगी से हार hmm. मान ली और मैं घर आया हूँ मुझसे हिम्मत ही ना हो चला ना जाए मेरी आवाज़ मधम हो गई मेरे हाथों में जान मुझे फील नहीं हो रही थी मैंने अपने दरवाजे को लॉक कर लिया अंधेरे में मैं रोता रहा कुछ दिन तक मैं रोता रहा मेरी फैमिली मुझे नॉक करती रही निकले निकलें निकले, मैं नहीं अच्छा मेरा वेट लूज़ होना शुरू हो गया मेरे हॉर्न ट्राए होने शुरू हो गए मुझे अजीब अजीब से ख्याल के मैं चला गया मेरे बच्चों को कौन देखेगा मैं मरने वाला हूँ और सारा ठीक है कहते हैं जब एक डेढ़ दो दिन गुजरे तो मैंने सोचा कि मैं तो बड़ा फिट एंड फाइन ऑफिस जा रहा था काम पे जा रहा था वो तो जब से मुझे न्यूज़ मिली है मैं लेट गया हूँ अगर मुझे न्यूज़ ना पता चलती तो आई वॉज डूइंग फाइन तो उसने कहा कि आई विल नॉट गेट कीमोथेरेपी और मैं ऑफिस से कहा कि मुझे इतने महीनों की छुट्टी चाहिए एंड ही सेट कि जो टाइम मेरे पास बचा है ना आई विल एन्जॉय माई लाइफ आई एल स्पेंड दिस टाइम विद माई फैमिली विद माई किड्स मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊँगा एंड आई विल हैव अ ब्लास्ट और उसमें ये भी आता कि उसने कॉमेडी मूवीज़ देखी और सब कुछ ला, लाफिंग थेरापी जो है ना तो वो उसने की बड़ी प्रैक्टिस अच्छा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वह रहा तो तकरीबन डेढ़ महीने गुजर ना उसको उसने कहा कि यार ये नॉ के खुदा न खासा मैं कहीं कहीं गिर जाऊँ ही वॉज अ नॉन बिलीवर तो मैं चेक तो कराऊँ कहाँ तक पहुँचा तो जब वो गए तो उन्हें टेस्ट किया उन्होंने कहा कि आपने कौन सी मेडिकेशन लिए कहते हैं तो मैंने कोई मेडिकेशन ना कीमोथेरापी ना कुछ करवाया कि तुम तो दोबारा टेस्ट करेंगे आपके प्रॉब्लली टेस्ट रिजल्ट आर नॉट करेक्ट दोबारा टेस्ट किए देर वॉज नो सिम्टम ऑफ सो एक उस पर टाइटल है ना उस रिसर्च का अ मैन हु लाफ्ट इज वे आउट ठीक है उसके Allah नाम Allah से यानी उसने हंसते हंसते पॉजिटिविटी के साथ इवन स्नैक बाइट एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें एक बंदे को कहा गया कि हम आपको स्नैक बाइट देंगे ठीक है आपको स्नैक बाइट करेगा और जैसे ही करेगा तो हम आपको उसका एंटी वैनम जो है ना वो लगा देंगे आप ठीक हो जाएंगे इन ठीक है तो उन्होंने पट्टी बांधी उसको लटाया पूरे एक रूम में और उसको ना दे वॉज नो स्नैज नथिंग उन्होंने सिर्फ दो नीडल्स ना उसको ऐसे चुबाई प्रिकी सिंपल हाइजीनिक नीडल्स प्रिकिंग

डो नॉट बीसर्न अबाउट दिच आर नॉट इन योर कंट्रोल यार इस्लामी जो कॉन्सेप्ट है ना कदर का चार्दीर चार्दीर मैं कहता हूँ कि सुबह लोग बल्कि इस पर कन्फ्यूज होते हैं कि यार जो इस तरह क्यों है मैं कहता तो हूँ अगर ये ना हो ना तो हमारा स्ट्रेस बहुत हाई हो ये शुक्र है और शुक्र अल्लाह ताला ने बताया कि यार आपका जो रिस्क है ना वो लिखा हुआ है लिखा हुआ ठीक है अगर नहीं हो ना लिखा हुआ तो भाई फिर मैं तो हर वक्त कंपैरिजन करूंगा मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं दूसरा कितनी मेहनत कर रहा है हम तो इस कंपैरिजन में लग रहे हैं फिर मेरी मेहनत ज़्यादा मेरा रिज़ क्यों कम आ रहा है या उसकी कम की वजह से ज़्यादा क्यों दिस विल जस्ट स्ट्रेस अस आउट सो मच इसी तरह क्या होने वाला है भाई जब हमें बता दिया गया कि यार सवाल इतना सिंपल फॉर्मूला है कि यार आपकी एक लाइफ है आपको नहीं पता कितनी है यू डोंट नो हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट आपका किस तरह डेथ होनी है इसका सेहत से भी कोई ताल्लुक नहीं है एक्सीडेंट में हो सकता है कुछ भी हो सकता है हमारे अंदर कौन सी बीमारी चल रही है हमें नहीं पता आर जॉब इज़ सिंपली टू डू दैटर जाना वो अल्लाह तलामू का किसी परेंगे का जो प्लान है ना हाँ। वो मुकम्मल हिक्मत, अदल, इल्म, और मोहब्बत के साथ हाँ। वो प्लान हाँ। है ना अबीद अल्लाह तह कि मैं ई करूँगा सो वैन यू जो हम एग्जाम्पल भी देखते हैं जिसमें अगर बेची स्कूल से बाहर निकले और देखे कि माँ बैठी हुई है स्टेयरिंग के पीछे और वो बैठ जाए और माँ अगर घर की डायरेक्शन में नहीं भी जा रही कहीं और जा रही है नॉट पैनिक नॉट स्क्रीम एंड शाउट कि मुझे कहा लेके जा रही है मुझे ठीक है हेल्प हेल्प कभी नहीं करेगी बिकॉज शी कि माँ के हाथ में स्टेरिंग है लेकिन अगर कोई अननोन बंदा घर के डायरेक्शन में नहीं जा रहा और ड्राइवर कहीं और लेके जा रहा है और एक माँ क्या है वो तो सत्तर माओ क्या हज़ार माओ ज्यादा प्यार करते हैं सो वाई शुड बी जस्ट कि अल्लाह नोज़ अल्लाह के प्लान, प्लान में या अल्लाह आई ट्रस्ट योर प्लान मैंने आपके हवाले अपना कर दिए जो होगा मुझे पता है मेरे लिए खैर और बेहतरी का बायस है मुझे बस अपनी असलाह करनी है कि ये मैं कहाँ गलत था जो आप मेरी इसलाह करना चाहते हैं और मैं आपके करीब आना चाहता हूँ तो आई थिंक प्रॉब्लम है वील हैव इन हर किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी जो सीमा शुरू में भी कह रहे थे ना कि लाइफ तो है इट्स पार्ट ऑफ टेस्ट आसानी है फिर मुश्किल है तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब प्रॉब्लम हमारे ऊपर मुश्किल आती है ना तो हम उसके ऊपर सोच सोच के उसको अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि वी आर अनएबल टू गेट आउट ऑफ दिस और यही जो बात है कि या तो पास्ट का काम लेके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ जाती हुई या फिर कॉन्सटेंटली थिंक अबाउट द फ्यूचर जबकि रियलिटी ये है कि जो मैं बात कर रहा था कदर के कौनसल की वो कहता है यार आप प्रेजेंट में रहो ना बिकॉज आपसे आज आज आपके कंट्रोल में है लाइक दिस मोमेंट इज इन माय कंट्रोल ना पास मेरे कंट्रोल में ना फ्यूचर मेरे कंट्रोल में अल्लाह ताला ने मुझे उससे बड़ी जिम्मे कहते हैं कि भाई तेरा ना पीछे कंट्रोल जो हो गया वो आप यू का चेंज इट आगे जो है ना वो भी आपके कंट्रोल में सो यू कंट्रोल दिस मोमेंट ऑफ योर्स अभी बैठा हो अगर अजान की अजान अजान की आवाज़ आती है तो नमाज जाके पढ़ सकते हो दिस इज इन योर कंट्रोल आप अगर नहीं जाते यू टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन और ब्रो पास्ट जातेजन सोच डिवेल करके इन द पास्ट

लेकिन इसमें यह चीज़ है ना कि जब जब हमने कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर अल्लाह ने टेस्ट करना है कि देखो भाई कि के वाकई तुम ईमान लाए कि नहीं लाए तो उस सबसे और भूख से और सबसे बड़ी भूख वो है की ख्वाहिश भी हो और पूरी भी ना हो रही हो कम आरजू वाला इंसान पुरस्कून रहेगा एक चीज़ तो आपके हाथ में है ना हाँ। वो कहते हैं ना इतनी ख्वाहिशें लोगों ने इकट्ठी की होती है मेरे पास एक शख्स आया तो मैंने उससे पूछा कि आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों हुआ कहते पहले मैं ब्रांडेड चीजें ले सकता था अब नहीं ले सकता मैंने कहा इसके अलावा दैट्स इट मैंने कहा नहीं और कोई मसला कहते नहीं अभी भी अलहमदिल्ला सब चल रहा है लेकिन पहले जो चीज़ें मैं बाय कर सकता था अब मेरी वो नहीं रही, नहीं रही बैंक पावर नहीं रही तो उस वजह से मैं अपने देख रहा होता हूँ कि मेरे दोस्त ने ये पहना हुआ है फलाने ने ये पहना हुआ है सिर्फ कंपैरिजन की वजह से हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब भी देखो अपने से नीचों को देखो hmm. कि देखो लोग किन किन हालात से गुजर रहे हैं वो ना खुश नसीब हुआ जो अपने नसीब पर पर है, है। तो मैं आप लोगों तो से एक सवाल करता हूँ कि यू you नो know, एक सब बड़ी एक यंग लड़का है लड़की कोई भी है यू you नो know, आजकल मैरिड आन मैरिड जो भी एक सैनारी लेते हैं हम बट उनको ना ये एक किस्म की एंग्जायटी है मोस्ट ऑफ़ द टाइम ड्यूरिंग डे में वो एग्जाइटी स्टेट में रह रहे हैं ठीक है एंड दे कांड अंडरस्टैंड दे नो द प्रॉब्लम उनको पता है कि यार पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए अल्लाह पर यकीन भी है सारी बातें उनको पता लगनी बट वॉट आर द थिंग्स दट दे आर मिसिंग आउट ऑन क्या वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि वो कर सकते हैं कि वो इस चीज़ से बाहर निकलें देखें उसताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है okay. एक साइकोलॉजिस्ट और वो भी जो उसके पास मेडिकल नॉलेज भी हो और मैं मैंने मैं तो देख रहा हूँ कि और इस्लामिक नॉलेज भी हो जिस तरीके से वो बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है ना वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता कि जो काउंसलिंग भी जानता हो और उसके पास दीन का इल्म भी हो क्योंकि ये घुमा फिरा के बात वहीं पे आती है कि ये ख्याल शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है वसवसा, वसवसा देता है देता। और वसवसा ही उसकी तरीका है वारदात है तो कोई भी बंदा जो उसकी काउंसलिंग कर रहा है मैं एक चीज जो बड़ी इंजॉय करता हूँ अरे मैं बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज नोट की ना कि मैं बीच में ना बात करता था पेशेंट आता था जब वो बोलना शुरू था तो मैंने क्या किया मैंने छोड़ दिया उनको पंद्रह बीस मिनट वो जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया होता था बल्कि मैं फिर अब ये भी कहने लगा लगाऊँ कि आपको जो जो ख्याल आते हैं आप उसको लिख लें और जब आते हैं और जब वो सिर्फ बताना शुरू करते हैं जो है ना वो जो अच्छा सवाल है ना वो भी आधा जवाब होता है तो वो जब बोलते हैं और फिर जब उनको उसका जवाब मिलना शुरू होता है जहन खुलता है बेहतर महसूस करते हैं लेकिन एक दो महीने के बाद फिर थोड़ा सा डाउन फील करते हैं तो एंग्जाइटी के पेशेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि ओवर चीज़ें ठीक नहीं होती अगर वो बीमारी आपको अल्लाह के करीब कर रही है तो वो आपके लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है, है आप ये देखें कि आप जा किस तरफ रहे हो हु। हम क्या समझ रहे होते हैं हम कह रहे होते हैं कि नहीं ये बीमारी मुझे हो गई है तो पता नहीं अल्लाह मुझे किसी सजा में उसने डाला है देखें हम असल में दुनियावी तौर पे बड़ा देख रहे होते हैं आई uh, बिलीव कि हमें कोई भी दुनियावी सामने ना वो ब्रांड वाली जो एग्जांपल दी हमें कोई बीमारी होती है कोई परेशानी होती है ना हम सबसे पहले दुनियावी तौर पे देखते हैं uh, कि मेरी दुनिया कितनी छूट रही है इससे एंड दैट कॉजेज एस लॉड ऑफ टेंशन एंड परेशानी हम और हमने ये भी कॉन्सेप्ट बना लिए अगर मुझे दुनिया मिलती जा रही है तो इसका मतलब अल्लाह मुझसे राजी है और दुनिया मुझसे छिन रही है तो इसका मतलब शायद अल्लाह मुझसे राजी नहीं जब ये इसका है जब कॉन्सेप्ट है बिलबिन कुरान में तो ये भी आता है कि बल्कि वन अब्लू कुम बिल खैर व शर फितना हम तुम्हें आजमाएंगे खैर से और शर से तुम्हें दे के भी आजमाएंगे और ले के भी आजमाएंगे और अक्सर लोग देने वाले आज़माश आज्मा, में फेल हो रहे होते हैं Allah. जब बनाने को छीन लिया तो अक्सर लोग पास हो जाते हैं हुँ. और हदीस में तो आता है कि अल्लाह ताला तैरन यू सब मिन हो और यू सब मिन हो अल्लाह जिसे खैर का इरादा करते हैं ना उसको परेशानियों में डालते हैं तो। और आप देखते नहीं है कि अल्लाह के नबी नबीम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे इब्राहिम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और सबसे ज्यादा उनको ही टेस्ट में डाला किस किस्म के टेस्ट उनके और इतने यानी इतने आजमाइे हैं वो इब्राहिम वफा इब्राहिम को जब भी हमने आजमाया उसने वफ़ादारी की सो हदीस में आते हैं अशदबिया सबसे ज्यादा मुसीबत हम पे आई हैं सो जब अल्लाह के अल्लाह ने नबी ने सलाम को आजमाया अपने सबसे प्यारे को एक ही साल में उनकी बीवी भी ले ली और चाचा भी ले लिए मक्का वालों ने निकाला उसके बाद शेब एब ताल में उनको चमड़े खाने पड़े घास खाने पड़े यार पांच बच्चों के जनाजे पांच बच्चों के बेटों के जनाजे बेटों के जनाजे यानी बेटियों की भी जनाजे उमी कल्सूम और रुकैया के जनाजा ठीक है और बदर के जिस दिन फतेह हुई उस दिन उम्मीक उसूम की डेथ हुई थी हाँ। तो कहते हैं इट्स अ ग्रेट डे ऑफ हैप्पीनेस सोरो एज वेल यानी फिर आपके दांत शहीद हुए फिर आपके हमजा चले गए आपके मुसबिन मुस्बिन चले गए आपकी औलाद जा रही है आपको मुनाफिक बगावत कर रहे हैं कुछ मुनाफिक अंदर हैं जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और कह रहे हैं और तुम्हारे माल खरने से खर्च करने से कुछ भी नहीं होगा और मोहम्मद आपको कुछ लोग छोड़ चले जाएंगे और अहजाब आ रहे हैं आप अटैक करने के लिए और आप जो है ना खंदा खोद रहे हैं और पेट पे दो दो पत्थर हैं यह अल्लाह इतनी मुश्किल लेकिन क्या अल्लाह ताला अल्लाह के से नफरत करते बोले यादव तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझें ना कि अल्लाह ताला अल्ला, यार एक वो वीडियो प्ले करें ज़रा इस वीडियो में आप देखें कि यह जो बच्ची जा रही है ये जो बच्ची गिरती है इसका गिरना अल्लाह ताला ने कितना खैर का बायस लिखा हुआ है इस वीडियो में वो बच्ची जा रही है वो उसको टूट लगता है और वो गिरती है और अचानक से एक शख्स जो बे गाफिल है तेज गाड़ी चलाता है और उसके ऊपर से गुजरता है मगर टायर्स टच नहीं करते उसको और वो उठ के दोबारा चलने शुरू हो जाती है इमेजिन अगर ये ना गिरती तो ये गाड़ी उसको हिट करती और ये मर जाती तो अल्लाह ताला जब आपको लाइफ में गिराते हैं ना तो ये बचाने के लिए होता है शायद या तो जानम की आग से या आने वाली आफत और मुसीबत से हमारा तो ये वेस्टर्न कॉन्सर्ट भी है ना कि जब तक आप किसी अपने आप को वो तो कहते हैं अपने आप को खुद चैलेंज करें यू नो गेट गेट आउट ऑफ योर जोन ताकि आपकी दैट्स द लर्निंग तो जो भी मुसीबतें परेशानी अल्लाह तला हमें दे रहे हैं वो हमारी खैर हमारी उसमें से कोई ना कोई लर्निंग होती ही है और उसे भी मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपको इस कायनात में सिर्फ एक ही शख्स मुसीबत से निकाल सकता है वो आप खुद हो अल्लाह के बाद

रेस्ट uh, करो टेन सेकेंड्स का दोबारा चढ़ो तो कहते मुझसे तीन या चार मुश्किल से लगे उसने कहा रेस्ट रेस्ट करो दस सेकेंड का फिर करो उसने कहते मुझे एक मुश्किल से निकला डेबिट हो गया कहा आज हमने हंड्रेड पुलअप्स करने हैं यहाँ पे कहते हैं नहीं पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है कहते आई एम स्टेइंग हेयर तू भी यहीं पे है जब तक तू हंड्रेड पुलअप्स नहीं करेगा ना हम यहाँ से नहीं जाएंगे और कहते हैं मैं दस दस सेकेंड की रेस्ट के बाद एक करता एक करता और करते 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 ये कहते कि हमारे मसल्स हैं ना ये ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं मुशक्क़त की और कहते हैं आई डिड दोज हंड्रेड इन ऑन दैट डे एट वेरी सेम टाइम एक ही करके बस क्या करना कहता कि तू भी यहीं पी और मैं भी यहीं पी हूँ ये करके जाना है और वो एक वाक्य भी आता है कि जिसमें एक बारह साल का लड़का था और पंद्रह साल का भाई था ये इधनों भाई थे आपस में वो जा रहे थे तो जो बारह साल वाला भाई है ना वो गुए में गिर गया अब पंद्रह साल वाले ने शाउट किया एंड देवर ट्रैवलिंग देवर ऑल अ लोन तो वो पंद्रह साल वाले ने ना उसको वो ना बाल्टी डाल के उसको निकाला आगे गए तो वो एक बच्चा गीला था बाद उन्होंने कहा कि तुम क्यों तुम्हें क्या हुआ कहते मैं गोए में गिरिया था तो फिर निकले किस तरह से कहते मेरे जो पंद्रह साल वाला भाई है मुझे निकाला कहते इम्पॉसिबल है impossible. ये पंद्रह साल का लड़का तुझे निकालेगा तुम तकरीबन सेम हाइट सेम फिजिक हो तुम्हें कैसे निकालेगा और पुल करके वो भी इतने मुश्किल से तो बाबा जी बैठे तुमने कहा कि बेटा इसे निकाला होगा उन्हें क्यों? क्योंकि क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं नहीं निकालूंगा तो फिर कोई और नहीं निकाल सके नहीं मेरे भाई, भाई को जब यकीन आ जाना कि मैंने ही निकलना है इससे और इस मुसीबत से और कोई मेरी आँखें उंगली पकड़ के नहीं जाएगा और मेरा अल्लाह मेरे साथ है वह हुआ आई नौन तुम तो फिर आप निकल सकते हैं इन मेरे पास तीन माह पहले एक पेशेंट आए छोटा बेटा उनके साथ ना तो वो इस हद तक होपलेस क्योंकि वो चेहरा ही इतना मायूस था कि मतलब वो बड़ा मैं ना मैंने बड़ी कोशिश की पंद्रह बीस मिनट के मैं किसी तरह से उनको लेकिन वो किसी सूरत भी बात कन्वे नहीं हो रही थी तो बस मैंने सिर्फ इतना बोला मैंने कहा कि देखें ख़ुदकुशी का तो ऑप्शन है ही नहीं ना इसके अलावा जो मर्ज़ी सोच लो इसके अलावा बात करो जब भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं अपनी बात का स्टार्ट ही इससे करता हूँ क्योंकि वो बड़ी उम्मीद लेके आया होता है शिफाए कोई डॉक्टर के पास हो नहीं शिफा तो मैंने जाने वाले तो मैं उनको ये कहता हूँ कि किसी भी बीमार के लिए सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि अल्लाह ने कोई एक भी ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफाना हो एक दिन जरा एक ज़्यादा समझदार साहब आ गए तो कहते हैं सिवाय मौत के तो मैंने कहा मौत तो शिफाए शिफा ठीक <laughs> हो गया ना जो इस ज़िंदगी में कुछ कर रहा है तो वो उसके लिए तो मौत शिफाए दा शिफाए, दा शिफाए, दा शिफाए तो मैंने कहा बस अपना ख्याल बदल लो चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ये जो आजकल चल रहा है उसमें यही है कि दीन से दूरी है ये एक वजह ये भी हो सकती है देखिए परेशानी आती है या तो अल्ला बेज़न ला अल्लाह के हुक्म से आती है हुँ. या अपने हाथों का तो क्वेश्चन करें खुद से ठीक है कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा हो रहा है तो उसको ठीक करें हुँ. कोशिश करें कि आप आपकी जात से लोगों को नफा हो इसी तरह से अगर आप आपकी चाल ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह के करीब करने आई है हुँ. घबराना नहीं है इससे गम से घबराना नहीं है गम को रीड करना है एंग्जाइट सिक्सटी परसेंट एंगजाइटी के पेशेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं फिर रोज़मर्रा के वो काम जो वो ख़ुशी खुशी किया करते थे अब वो नहीं कर पा रहे इसी तरह से शादीशुदा लोग जो होते हैं उनकी जो ये लिबीडो है सिक्योरिटी डिजायर ये कम हो जाता है इसी तरह से फिर सेल्फ हार्म तक बात चली जाती है तो यही है ना कि अगर आपकी फैमिली में इर्द गिर्द कोई बंदा है ऐसा तो उसको देखें उसको हेल्प की ज़रूरत है और तलाश नहीं छोड़नी बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो गिव अप कर जाते हैं वो कहते हैं कि जी तीन डॉक्टर को दिखाया इसका दिमाग ख़राब हुआ है ये ठीक नहीं होता और जब वो ये गिव अप कर जाते हैं ना फिर उसके बाद उस बंदे की जिंदगी बड़ी ख़तरनाक भी हो को हो देखे है। ना जमजम की जो है यानी ये जो होप है ना होप असल जो होप है जो अपने बात की यार दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होप इन अल्लाह एंड यू हैव होप एंड फर्म बिलीव जमजम जो हम पीते हैं ना जो शख्स ये हदीस को जहन में रख रखते अलमा हैं लेमलम शरीफ़ अल्ला ये जो दुआ करेगा उसके लिए पूरी होगी तो जब ये पीता है ना इंसान और आप देखें सुबह अल्लाह ताली कितने गनी है कि यार मैं उस दिन क़ुरान में इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं और मैं हैरान हो गया आयत को देख के वसीम भाई शैतान ने ना अल्लाह यानी अल्लाह तला ने आदम को तख्लीक़ किया रूप होगी सब शैतानों का सजदा करो इमेजन ट्रिलियंस ऑफ़ एंजल्स ऑल वेंट टू द सजदा बाउट डाउन इन फ्रंट ऑफ आदम एक एब्लीज खड़ा वैसे करके अच्छा एक तो तूने गलत किया ऊपर से उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह इज़ अमर तक क्यों तू सजदा नहीं किया कहते है, अना खैरु उमिन हो मिन नार व मिन तीन यानी एक तो तोब्बर किया अच्छा अल्लाह ताला ने कहा निकल जा दफा हो जाए तू अरजीम है फ़ख्रजमिन निकल जाए यहाँ से तू तो जलील है और रजीम है अब शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की तकबर किया अल्लाह का नाराज़ किया और अजीम करार दे दिया फिर भी अल्लाह से कहता है हैं अल्लाह मुझे तो ना मोहलत दे दे। और अल्लाह ताला का गनी होना देखें कि न काम नमदरी तुझे मोहलत दी गई ऐट अ टाइम ऑफ नाफरमानी अल्लाह से दुआ कर अल्लाह उस दुआ कबुल्फ मारे हैं इवन आप कुरान पढ़ लें जो लोग कुफ़ार अल्लाह से शेर करते हैं जब वह समंदर में तूफ़ान फंसते हैं तो अल्लाह ताली को सिंसेरली जब पुकारते हैं अल्लाह तू ही आए कोई लात मनात नहीं बचा सकता तूने मुझे बचाना है अल्लाह ताला कुफार की भी सिंसेर दुआ कबूल फ़रमाते हैं मैं और आप तो फिर भी मुसलमान हैं मैं और आप फिर भी सजदा अल्लाह के सामने करने वाले हैं हमने निका नहीं नहीं अल्लाह हम बेहतर हैं और हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं सो दुआ वो कबूल होती है जो यकीन से की जाए और अल्लाह के नाम फरमाए किन इस तरह दुआ करो तो मैं यकीन अल्लाह या ये कबूल हो गई हो गए अल्लाह मैंने हाथ नीचे करना ही नहीं है जब तक तूने यस नहीं कर देना तू यस करेगा तो मैं हाथ नीचे करूँगा और मुझे पता है जो सह, जो के अल्लाह भी अज़ीज़ जो जो अम्बिया का दुआ के आगे पिछल्फास्ट देखे ना अल्लाह अकबर जकरिया कह रहे हैं वलम अकुम बे दुआ कर अब शकी या मैं तो आज तक दिल्ली से दुआ करके नउमीद ही नहीं हूँ इब्राहिम कह रहे हैं इनकान भी हफ़ी

तो अल्लाह ताला कर सकते हैं कि नहीं बिकॉज mm -hmm. वही बात है कि हम लोग इस चीज़ को जब समझते हैं ना कि यार अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं लाइक द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग दैट यू कैन इवन जस्ट वाइल्डली इमेजन अल्लाह वो कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा सो यू नो फिर दुआ दो है वो तो हमको बड़ी डिसेंट सी चीज़ मांग रहे होते हैं बड़ी हड़कल की चीज़ मांग रहे होते हैं तो वो तो यार यकीन से मांगे तो इन क्यों नहीं कुरान में भी है ना कि हो सकता है तुम अपने लिए कोई चीज़ पसंद करो जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो, हो mm. सकता है कि तुम ना yeah. पसंद करो तुम्हारे लिए ठीक हो अक्सर लोग ना दुआ को फिर वो ज़िद्द इस तरह से बना लेते हैं कि उनको ये भी समझना ज़रूरी है कि उसमें भी अल्लाह की मसलियत है कि वो अपने टाइम से कबूल होगी बल्कि कल मैं ऑडियो सुन रहा था तो वो बड़ी प्यारी दुआ उन्होंने की कि या हमें इतना दे कि हम खुश हो जाएं और हम तेरी राह में इतना तकसीम करें कि तू खुश हो जाए <laughs> ये दो, तरफा मोहब्बत कि आप चेक करें कि या हमें इतना दे कि हम खुश हो जाए और हम तेरी राह में इतना दें कि तू खुश हो जाए जितना आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है अक्सर पेशेंट आते हैं ना वो गिला कर रहे होते हैं गिला कर रहे थे मेरे साथ ये भी ठीक नहीं हुआ मेरे साथ वो भी ठीक नहीं हुआ अल्लाह को ना एक पता नहीं उन्होंने तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो हज़र का ही फिक्र है कि सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लो जो अल्लाह ने पहले से दी हुई है। हैं तो मैं उनको कहता हूँ क्या रसूल अल्लाह रसोल्ला सरसलम की उम्मीद ही है आप अलहदुल्लह मैंने कहा तौबा का, का दरवाज़ा खुला है और हर इंसान से उसका अपना पूछा जाएगा फिर मैं यही कहता हूँ कि मौत का वक्त किसी को पता नहीं है ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है नहीं तो अगर आज आपको बता दिया जाए सही बात है तो अगले अगले जितने भी जितना भी है बल्कि वो उम्र से रिलेटेड ना अक्सर कहा करते थे कि हमसे जब कोई हमारी उम्र पूछता है तो हम वो बताते हैं जो गुजार चुके हैं असल में उम्र वो है जो रह गई है कितनी रह गई है किसी को कोई नहीं पता यार जितनी, रह यार। जितनी रह गई है जितनी रह गई है बस खैर से गुजरे और अल्लाह के रास्ते की ना दो रास की बातें उनकी एक ऑडियो में कहते हैं एक रास की बात यह है कि अल्लाह का रास्ता मुश्किल में भी आसान रहता है जब आप अल्लाह को मजबूती से थाम लेते हो अल्लाह की रस्सी को तो फिर वो खुद मदद करता है कुछ अरसे की तकलीफ होती है लेकिन वो साथ रहता है सुकून कल्ब रहता है तो वो सफ़र आसान रहता है दूसरा रास की बात यह कि अल्लाह के रास्ते में गिला नहीं होता गिला जो है ना वो आपकी जितनी जो इनाम हैं, जो अल्लाह ने आपके ऊपर नवाजिशें और करम किया हुआ है अगर आपने गिला कर दिया ना और हम क्या करते हैं मखलूक का गिला खालिक से करते हैं ख़ालि का गिला मखलूक से करते हैं ऐसे हो गया वैसे हो गया ये हो गया वो हो गया तो ज़रा हम अपने क्योंकि ज़ुबान से बड़ी पकड़ होनी है ये जो आपकी ज़ुबान है ना इसको इससे आप क्या जैसे वो अक्सर कहा करते कि कन फ़ैकन कुछ बोला गया कुछ सुना गया और फिर कुछ हुआ तो ये जो इंसान को बोलने और सुनने की सलाहियत दी है ना ये अल्लाह की बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर और एक और जगह कहते हैं कि बड़ी एक इंसान की खास बात है ऊंचा सुनता है धीमा बोलता है ये भी देखें ना कि आप मुतव होकर सुन रहे हो कान लगा के और नरमी से बात कर रहे हो लेकिन वो आज अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल <laughs> उल्टा, उल्टा हुआ है सुनने को कोई तैयार नहीं है और जो है, है वो बोलना जो है तो ये बस जरा सी अपनी ये जो अल्लाह ताला ने हमें बोलने बोलना सिखाया है इसको सही तरीके से जबान का इस्तेमाल क्या सुन रहे हैं क्योंकि खैर और शर की आवाज़ बय वक्त आ रही है तो, तो आपने अपनी आपको ट्रेन भी करना है कि जब वो खैर की आवाज़ आए तो आप उसी की तरफ जाए वैसे अलहमदिल्ला एक जो परेशानी है जितनी किस्म की हुई है ना अभी आपने सुकून का टच किया ना तो वही कुरान के क्या है जिक्रतम कलूब कि यार आपके पास ना जो परेशानियाँ आ रही हैं वो जिस तरह की भी हो सकती है फाइनेंशियल हो सकती है किसी लफ वन का लॉस हो सकता है सारा कुछ हो सकता है बट जो इंटरनल सुकून जो है ना वो आपका कोई नहीं ले सकता दैट कैन स्टे विद यू एज लॉन्ग एज यू हैव योर रिलेशनशिप सॉटेड विद्वान ताली आप अल्लाह के साथ बना के रखें भाई बीच में कोई भी नहीं है ना आपके और अल्लाह के बीच में तो कुछ भी नहीं, नहीं। है नहीं। तो आप ने जब भी कोई परेशानी है टर्न तो बैक टू तो अल्लाह ताली आप दुआ करें आप जिक्र करें आप बार बार अल्लाह ताली से मांगे जिस तरह बच्चे माँ बाप से ज़िद नहीं करते कुछ भी चीज़ों को अपनी डिजायर्स के लिए जो भी ख्वाहिश तो आप अल्लाह ताला से गिर ग्रा के मांगे कि यार मेरी जो परेशानी है मेरी एग्जाइटी है मेरा डिप्रेशन है जो मेरी टेंशन परेशानी है जो मुझे पास की फिक्र होती है जो मुझे फ्यूचर के बारे में टेंशन रहती है ये अल्लाह जस्ट रिमूव इट फ्रॉम माय हार्ट मेरे बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाले एंड एंड यू नो दे टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑब्वियसली वो शायद पिछली पॉडकास्ट में आपने कुछ लाइफस्टाइल चीज़ों के बारे में बताया वो सारी करें अपने डाइट को ठीक करें एक्सरसाइज को लेकर आए बिजी योर सेल्फ विद प्रोडक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करें अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें ग्रीन टाइम बढ़ाएँ यू नो फिर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सारे के बारे में करें जिससे आपने मेंटोर एक होना चाहिए यू नो हैव दैट है कोई कोच कोई काउंसलर जो कि आपको इन सारे प्रोसेस में गाइड कर सके स्पेसिफिक टू योर प्रॉब्लम्स कोई ट्रामा है पास्ट का कुछ भी है बट यू नो बट फर्स्ट फर्स्ट फिक्स योर रिलेशनशिप विद दैट आई थिंक दैट्स द के जिक्र के ये तो अल्लाह ने बिल्कुल स्टैम्प कर दिया है ना कि इसके अलावा हाँ। सुकून मिल ही नहीं सकता हजरत मूसा सलाम का वाक्य था एक शख्स था वो उसने हजरत मूसा सलाम के पास आया और कहा कि मैं आप अल्लाह से बात कर सकते हैं तो आप मेरा एक सवाल पूछें अल्लाह से कि मैं पहले बड़ा नेक हुआ करता था अब जो है ना मैं गुनाह भी करता हूँ तो अल्लाह से पूछे वो मुझे सजा क्यों नहीं देता और मुझे अजाब क्यों नहीं देता तो हजरत मूसा सलाम गए सवाल पूछा वापस आए जवाब मिला तो उन्होंने पूछा कि आपने पूछा सवाल कहते जी पूछा तो क्या जवाब आया कहते हैं अल्लाह ने जवाब दिया कि उससे पूछ के जब वो मेरा जिक्र किया करता था तो उसको उसके दिल को जो एक सुकून होता था क्या वो अब है तो उसने कहा कि नहीं कहते जिस तो जिसके दिल को सुकून नहीं है वो अजाब में ही है अजाब की एक शक्ल दिल की बेसकूनी भी है तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो इसको समझें कि ये भी देखें कि आपका बल्कि वो अक्सर कहा करते थे कि तुम अल्लाह तुम्हारा दोस्त है और तुम अल्लाह के दोस्त हो अब सोचो तुम कैसे दोस्त हो यानी कि अल्लाह के अल्ला की कौन से काम है जो तुम कर रहे हो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जो शरीय नाफिस की है क्या उसकी पाबंदी करते हो क्या वो सारे अहकाम पूरे कर रहे हो यानी कि अल्लाह को तो, तो आप पुकार रहे हो लेकिन अल्लाह ने जो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है वहाँ पे आप कहाँ पे खड़े हो क्योंकि जब आप अमल करना शुरू कर दो कि शौक के साथ मोहब्बत के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ज़िंदगी में सुकून ना मिले क्योंकि ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं बिल्कुल ऐसे भूखे को खाना खिलाएं आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इसी तरह से हर नमाज में नहीं लेकिन कोई एक आध नमाज ऐसी होती है कि जिसमें आपकी कैफियत ऐसी बन जाती है कि आपका वो सजदा होता है और उसके बाद जब आप सलाम फेर के उठते हो तो आपकी एक कैफियत बिल्कुल ऐसे आप लाइट फील कर रहे होते, होते हो कि जैसे कोई एक बिल्कुल आप बोझ उतर गया बोझ उतर गया तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने और ख़िदमत इबादत अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सर वसलम की और खदमत इंसान की ये जो इंसान की ख़मत है ना इसके ऊपर भी कि बल्कि वो, वो आ, मेरे ख्याल से मुन्नू भाई का ही वाक्य है इशफाक अहमद साहब और मुन्नू भाई का तो किसी शख्स ने इशफाक अहमद साहब से पूछा कि ज़िंदगी आसान करने की टिप दे दें तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मौत आसान करने की टिप ना दूँ तो उन्होंने कहा चले वही दे दें कहते जाओ किसी की ज़िंदगी आसान कर दो तो ये जो हमारे इर्द गिर्द जो परेशान लोग हैं इनकी अगर हम हेल्प करना शुरू कर देंगे खालि अल्लाह की ऱा के लिए हमारा एक और भी मसला ये कि हम नेकी भी करते हैं कुछ, कुछ उसके कुछ बदले कुछ के लिए वो एक शख्स आया मेरे पास क्लिनिक पे तो उसने देखा ना वो बुक्स पढ़ी हुई थी तो कहते हैं कि इनकी एक किताब है गुफ्तु मैं दस साल एक सवाल की तलाश में रहा और मुझे जवाब ना इनकी उस किताब में ये सवाल पूछा जा चुका था ना कि अगर नेकी इतनी अच्छी चीज है तो नेकी का सिला इतना बुरा क्यों मिलता है तो उन्होंने जवाब दिया कि तुमने कभी नेकी की ही नहीं नेकी खालिस अल्लाह की रजा के लिए की जाती है नेकी है ही वही जो खालिह की रजा की वापस ले रहे थे वो उसकी आकेबत है, है तुमने जिस नेक नियति के साथ नेकी की तुम अपनी नेकी तो ना छोड़ो और सारे चेक इधर नहीं कैश कराने चेक जो है ना उधर के लिए उधर के लिए भी छोड़ देने और यही है कि छोटी सी लाइफ है जी साठ साल पता भी नहीं चलता पलक झपकते फोटी दो दो लैब गुजार चुका हूँ फाइनल ये कंफर्म भी नहीं ना कि कितना यही ना कि अब यही फायदल कितने साल है सही बात है तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता रहे बंदा और सही कम आजू रखे आजकल का जो जदीद दौर है ना ये जो सोशल मीडिया है कम्पेरिजन इज अ किलर ऑफ जॉय आप जितना जितना ज्यादा कंपेरिजन करेंगे आपको अपनी जिंदगी में अल्लाह की जो ब्लेसिंग है वो नजर ही नहीं आएंगी

तुम्हारी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग है तुम देखो कि कितना कुछ अल्लाह आपके ऊपर इनाम कर चुका है ज़रा सर इन चीज़ों को देखो कलमा तुम्हारे पास है तोबा का दरवाज़ा खुला है इतनी सारे इनाम हैं रसोल्ला वसम के तुम उम्मत ही हो ये जो बस माल 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 इसी के पीछे ना और मैं यही देख रहा हूँ कि मेन वजह वह मिन कुम यीदुल दुनिया व मिन कुम यीदुल आखिर और तुम में से ही लोग हैं जो दुनिया की तमन्ना करेंगे और तुम में से ही लोग हैं जो आखिरत की तमन्ना करेंगे दुनिया ख़त्म नहीं करनी लेकिन हमारा एम्फिस आखिरत है लोग जो है ना इधर की फानी दुनिया के प्रॉब्लम्स फानी दुनिया के मसाइल यही नमक मिर्च के मसले इसी को लेके उलझ गए भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है बहन भाई पे केस कर रही है वालदेन को रखने को कोई तैयार नहीं है तो ये देखे ना कि मतलब अपने और टोटल जो सबसे पहले जो पूछा जाएगा ना वो ये अपने करीबी रिश्तेदार है बल्कि वो कहा करते थे कि जो भाई बहन है ना वो आधे माँ बाप है तो जैसे अपने वालदेन का ख्याल रखते हो ना वैसे उनका भी ख्याल रखो तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कहीं हम बिल्कुल लोगों को कट ऑफ करके कोई ऐसी ज़िंदगी की तरफ तो नहीं चले गए जो कि बहुत गर्ज ज़िंदगी है क्योंकि सेल्फिश ज़िंदगी ना वो सुकून नहीं ला सकल ऐसी है ना लालच ने हमें मार दिया वैसे और हमारा जो सेट्सफैक्शन ना होना है चीज़ों पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यानी जो बंदा मैं तो अक्सर एग्जाइटेड प्रशन पेशेंट कहता हूँ कि यार आप ना अगले नेक्स्ट थ्री डेज़ में थ्री हंड्रेड ब्लैसिंग्स लिखें हर दिन हंड्रेड ब्लेसिंग्स लिखें अपने पास चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं एंड वेन योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द ब्लेसिंग यू हैव आप ऑलरेडी मैं ये कहता हूँ कि आप कब्रिस्तान चले जाएँ या पेम्स हॉस्पिटल या चले जाएँ वंस यू सी पीपल जिनकी टांगें कटी हुई हैं जिनको फायर लगा हुआ है जिनको कैंसर ये ज़रा कैंसर के वार्ड्स में जाएँ कभी ज़रा वैसे हमें जाके ना हम बैठना चलें बैठना चाहिए एज अटेंडेंट किसी का ना और देखें कि हम लोग नौजवान छः साल का बच्चा यार कीमो से गुजर है और उसके सारे बाल ख़त्म हो गए और वो ढांचा बन गया है हमारी प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल डिमिनीशी नज़र आ जाएंगी और जैसे मैंने बात की ना मुसलम वाला जो इस इसरालियात जो जो नशन बताई मैं एक दीन से भी सुन रहा था वो कहते हैं कि एक शख्स आया और कहता है कि मैं इतने से गुनाह कर रहा हूँ मेरे तो अल्लाह ताला मुझे नेम तो मैंने नब्त्य दे जा रहा है आई डोंट थिंक अल्लाह एग्जिस्ट मैं आ, जो है ना मुझे पकड़ी नहीं आती अल्लाह ताला है उन्होंने कहा तुम आपने लास्ट टाइम नमाज कब पढ़ी थी कहते कि महीने पहले जुमा पढ़ा था कहते हैं अच्छा कहते हैं लास्ट टाइम रोज़ा कब रखा था कहते हैं लास्ट रमज़ान में कहते हैं अच्छा लास्ट टाइम अल्लाह को याद कब किया था कहते हैं कोई हफ्ता दो हफ्ते पहले और लास्ट टाइम सद कब दिया था कहता है मुझे याद नहीं है मैंने कब दिया था कहते हैं इससे बड़ा क्या अज़ है अल्लाह अकबर इससे बड़ा क्या जलालत है कि आप मस्जिद ही नहीं जा रहे हो अल्लाह अल्लाह ने आपसे इतनी नेमतें महरूम की हुई हैं इससे बड़ी क्या आजमाइश है और मैंने देखा कि जो लोग ना वसी में बहुत ज़्यादा लोगों से बातें शेयर करते हैं ना उससे शेयर कर दी हर किसी को अपने मसले बता दिए वो फिर लोगों के रहमो करम पे हो जाते हैं अल्लाह ताला उनको उनके हवाले कर देता है पूरा कंट्रोल दे देते हैं पूरा कंट्रोल देते हैं तो क्या करें इन याशकूबस बस बहुत नहीं अल्लाह मैं सिर्फ़ अपने रब से ही शेयर करूँगा और अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी हुए ज़िद्दी ना बने ज़िद्दी कभी अगर दरवाजे की हाइट छोटी है ना तो ना कहें नहीं 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 मैं तो चौधरी साहब हूँ मैं तो जाटूँ बाटू मैं यहाँ से झुक के गुजरूंगा ही नहीं आप देखेंगे लोग गुजरते जाएंगे के और आप अगर नहीं गुजरेंगे ना तो, तो आप ही खड़े रहेंगे आपकी ज़िंदगी का पहिया रुक जाएगा तो क्या करें कभी कभी ना झुक के गुजर जाए दरवाजे से वो मिसाल देता हूँ मैं कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र करते हैं ना और जो फ्रंट सीट ही के तलाश करते हैं कि मुझे यही मिलेगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं वो सारी रात खड़े रहते हैं क्या करें लटक जाएँ पहले फिर एक सवारी निकलेगी फिर आगे बैठ जाएँ फिर आगे आके बैठ जाए फिर फ्रेंड सीट मिल जाएगी आपको सो so, एक वक्त का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो दूसरे वक्त की सक्सेस होता है अगर हम आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और कह देंगे ये अल्लाह तेरा जो भी फ़ैसला है मुझे कबूल है मैं राजी हूँ रौदी क़स्मत आरफीना तो उन्हें जो भी लिखा है हमारे लिए मैं उस पर हंड्रेड परसेंट राजी हूँ या तेरे हाथ में है तो अगेन मैं सुहा ये हमारा दिन इतना खूबसूरत है अगर हमें तवकल तकदीर पे ईमान और अल्लाह के कामिल कादिर कदीर और मुख्तर होने पे यकीन आ जाए ना हमारी ज़िंदगी सारी टेंशन ख़त्म हो जाए और हम कह अहमदिल्ला सेट है, अल्लाह तब तो तो मुझे एक बात याद आ गई कि मेरे पास ना उस दिन आए तो उन्होंने कहा ना कि मुझे मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे कितना राज़ी है तो हज़रत वासीफ़ रन की ऑडियो थी उसमें वो वाद फरमाते हैं कि जितना तुम अल्लाह से राजी हो उतना अल्लाह तुम से राजी है कुरान की आयत ना क्या इतमान वाली रूह दाखिल हो जाए जन्नत में तू मुझसे राजी मैं तुझसे राजी तो इस जिंदगी में भी आप एक स्टेप पीछे हो के देखें कि कहीं आप अल्लाह से नाराज तो नहीं है माज अल्लाह यही कि कहीं आपको तो अल्लाह से कोई गिले नहीं है इंसान है ना अपनी नलाइकी में कमकली में जल्दबाजी में वो अल्लाह से भी कुछ इस तरह की ऐसे अल्फाज थे कि मुसीबतों ने हमारा ही घर देखना था ये मुसीबतें मुझ पर क्यूँ आई हालांकि फला शख्स तो बहुत ज्यादा गुनाकार है Allah तो Allah तो Allah ऐसी बातें इंसान को बिल्कुल उसका ईमान तबाह कर सकती है थैंक यू सो मच थैंक यू